क्या हो रहा है ये? मैम वो सारा काम हो गया था सफाई का, तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे? क्या करोगे पढ़ाई करके? पियून हो ना तुम, अपनी औकात में रहो। और वैसे भी अगर तुम्हें पढ़ाई करनी होती ना, तुम यहाँ पे झाड़ू पोछे नहीं मार रहे होते। जी मैम। जाओ जाके कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। मैम इस मंथ की एडवांस सैलरी मिल सकती है क्या? क्यों? वो मैम जेईई मेंस का फॉर्म भरना है और कुछ किताबें भी खरीदनी है। मैम मेरा सपना है आपकी तरह इंजीनियर बनने का। तुम जैसे लोग कब से इंजीनियर बनने का सपना देखने लग गए यार? आईआईटी का फुल फॉर्म भी पता है तुझे? पढ़ाई करनी पड़ती है मेंस क्लियर करने के लिए। कोई भी एरा गैरा प्यून नहीं क्लियर कर सकता एग्जाम। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। कैसे? पूरा दिन तो तू यहाँ ऑफिस में रहता है, अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने की कोशिश मत कर। जा जाके काम पे ध्यान दे, आईआईटी तेरी औकात से बाहर की चीज है। नहीं मैम, तो मैं मेहनत करके इंजीनियर बनूंगा मैम, आईआईटी क्लियर करूंगा, बस आप मुझे एडवांस सैलरी दे दीजिए। चल ठीक है, मिल जाएगी तुझे तेरी एडवांस सैलरी। देखती हूँ मैं भी कैसे क्लियर करता है तू एग्जाम। चल निकल यहां से, अब निकल। मैडम तू यहां क्या कर रहा है? मैडम बात करनी थी कुछ। क्या बात करनी? कल मुझे छुट्टी चाहिए मेरे एग्जाम से, जेईई मेंस। आईआईटी का भूत उतरा नहीं ना तेरे सर से? कितनी बार समझाया है तुझे कि इंजीनियरिंग तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, समझ में नहीं आता तेरे? चल कोई बात, कल जब एग्जाम देने जाएगा ना और क्वेश्चंस देखेगा और उसके बाद रिजल्ट, तो अपनी औकात खुद समझ में आ जाएगी तेरे। छुट्टी चाहिए ना तुझे? जा दी तुझे छुट्टी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो अकेले कमरे में बैठ के रोना मत। आ जाना मेरे पास, मिठाई खिलाऊंगी तुझे अपने भाई की तरफ से। वो भी इस बार मेंस के एग्जाम दे रहा है और उसका तो डेफिनेटली क्लियर होगा। कार्तिक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैंने तुम्हें सारी फैसिलिटीज दी, तुम्हें कोटा भेजा, वहां के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करवाया और फिर भी तुमसे मेंस क्लियर नहीं हुआ। दीदी मैंने तो ट्राई किया था ना, अब नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या करूं? और मैंने बोला था कि आपको कि आप मेरे को कोटा भेजो, अब मुझे लेक्चर देख के टेंशन में मत डालो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। क्या है? मेरा मेंस क्लियर हो गया। क्या? लेकिन तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, तुम तो पूरा दिन ऑफिस में पड़े रहते थे। मैम जब रात को सब चले जाते थे ना तो मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ता था और ऑनलाइन कोचिंग की थी। केशव एक तुम हो जिसने बिना किसी फैसिलिटी के मेंस क्लियर कर लिया, और एक जगह मेरा भाई, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसको सारी फैसिलिटीज दी, उसको कोटा भेजा और फिर भी उसके मेंस क्लियर नहीं हुए। आई एम वेरी सॉरी केशव, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन आज तुमने प्रूफ कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो केशव। नहीं मैम, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मेरी इंस्पिरेशन है मैम, और आईटी जाकर मैम मैं आपकी तरह सक्सेसफुल इंजीनियर बनूंगा। अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा?
आगे एडवांस की तैयारी करो। कैसे? जैसे मेंस की करी थी, दिन में यहाँ नौकरी करूँगा और रात को पढ़ाई करूँगा। केशव, आज से जब तक तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, तुम ऑफिस से हाफ डे लोगे। ऑफिस के बाद तुम कोचिंग जाओगे और तुम्हारे कोचिंग की सारी फीस मैं पे करूंगी। सच में? हाँ केशव, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं समझ गई हूँ कि तुम में बहुत पोटेंशियल है। तुम बहुत हार्ड वर्किंग भी हो एंड आई एम श्योर कि तुम मुझसे भी बेटर इंजीनियर बनोगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मिठाई तो खिलाओ। हाँ मैम। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।